अध्यक्ष जी, मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय इस संसद को बताना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि पूरा संसद उस बात से सहमत होगा। यह देश कृषि प्रधान देश है, किसानों का देश है। आज़ादी के लड़ाई के दिनों में बापू मोहनदास करमचंद गांधी कहते थे कि हिंदुस्तान की आत्मा गांव में बसती है और किसानों में बसती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि हमारी आत्मा किसानों के समृद्धि के लिए हमेशा चिंतित रहती है और उसी के लिए काम करती है। अध्यक्ष जी, सब नीति उद्योग नीति बन गई, पर्यटन नीति बन गई। अभी हवाई जहाज मंत्री कह रहे थे उड्डयन नीति बनाने के लिए। यहाँ संसद के सबसे वरिष्ठ सांसद मेरे भ्रातृवत मित्र मुलायम सिंह जी बैठे हैं। कृषि नीति नहीं बनी अभी। इस देश की अर्थव्यवस्था, कृषि अर्थव्यवस्था और ग्रामीण अर्थव्यवस्था इतनी शक्तिशाली है अध्यक्ष जी कि देश को शक्तिशाली बनाया है। कोरोना के महामारी में सारे उत्पादन बंद हो गए थे, लेकिन किसानों के तपस्या के बल पर खेती का उत्पादन 37% बढ़ गया था। और तभी इस देश के किसी भी व्यक्ति को भुखमरी मरने नहीं देने की व्यवस्था इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। एक कृषि नीति बनाई गई थी किसानों के समृद्धि को बढ़ाने के लिए। उस पर कुछ लोग असहमत थे। प्रधानमंत्री जी की महानता है कि उन्होंने कहा कि मैं समझा नहीं पाया इस नीति को, मैं वापस लेता हूं। लेकिन ये संसद और देश के गांव में रहने वाले 6.5 लाख गांव में रहने वाले किसान सभापति जी इस बात के लिए सहमत हैं कि किसानों के समृद्धि के लिए कोई कृषि नीति बननी चाहिए। जिस तरह उद्योग नीति बनी है, पर्यटन नीति बनी है, किसानों के समृद्धि के लिए एक कृषि नीति बननी चाहिए कि किसानों को ये भरोसा हो सके सरकार से, शासन से। पहली बार भरोसा पैदा हुआ है अध्यक्ष जी, 6,000 रुपया सालाना मिलता है। हम समझते हैं कि इधर के लोग सहमत होंगे, असहमत होंगे, लेकिन इस बात से सब लोग सहमत रहते हैं कि जिसका खसरा खतौनी में नाम है, 6,000 रुपया सालाना मिलता है, तो रबी और खरीफ के फसल के समय उसको कितनी कठिनाइयों से समाधान करने के अवसर मिलते हैं। ये प्रधानमंत्री जी का फैसला था। पशुधन के मामले में हमारे मुलायम सिंह जी कहते हैं, अभी हमसे परसों कह रहे थे, मैं तो 5 भैंस रखा था, 4 गाय रखा था और उससे किसानी शुरू किया था। आज प्राकृतिक खेती के बारे में सभापति जी, प्राकृतिक खेती के बारे में जो हमारे संसद ने बजट में कानून बनाया है, बजट में प्रावधान किया है कि गंगा के किनारे 5 किलोमीटर के दायरे में हम प्राकृतिक खेती करेंगे, से क्या कृषि नीति में शामिल किया जाए। अध्यक्ष जी, मैं आपसे विनम्रता से निवेदन करता हूं कि कृषि नीति बनाने के लिए सर इस सदन में सब लोग सहमत हैं। मैं समझता हूं कि सब लोग सहमत हैं और कृषि नीति जरूर बननी चाहिए किसानों के समृद्धि के लिए।